नमस्कार, मी अमोल जोशी. नमस्ते लंडन या खास कार्यक्रमात आपलं स्वागत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वीडनचा दौरा आटपून काल रात्री उशिरा लंडनमध्ये पोहोचले. ब्रिटनचे परराष्ट्र मंत्री बोरिस जॉन्सन यांनी मोदींचं हिथ्रो विमानतळावर स्वागत केलं. आज दिवसभर पंतप्रधानांचा भरगच्च कार्यक्रम आहे. सकाळी पंतप्रधान त्यांच्या हॉटेलमधून बाहेर पडल्यावर लंडनमधल्या भारतीयांनी एकच गर्दी केली होती. मोदी मोदींच्या घोषणा दिल्या. यानंतर मोदी ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या निवासस्थानी म्हणजेच 10 डाउनिंग स्ट्रीटवर पोहोचले. भारतीय वेळेनुसार दुपारी 2 वाजता पंतप्रधान मोदी आणि ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या हस्ते आयुर्वेद सेंटर ऑफ एक्सलन्सचं उद्घाटन होत आहे. त्यानंतर पंतप्रधान मोदी लंडनच्या सायन्स म्युझियमला भेट देतील. त्यानंतर थेम्स नदीकाठी असलेल्या संत बसवेश्वरांच्या प्रतिमेला ते आदरांजली व्यक्त करतील. त्यानंतर भारत युके सीईओ फोरमला मोदी संबोधित करतील. मग बकिंगहॅम पॅलेसमध्ये मोदी आणि राणी एलिझाबेथ यांची भेट होईल. भारत की बात सबके साथ या कार्यक्रमामध्ये मोदी सहभागी होणार आहेत. पंतप्रधान मोदींचं स्वागत करण्यासाठी लंडनमध्ये जोरदार तयारी सुरू आहे. लंडनमधल्या वेस्ट मिनिस्टर सेंट्रल हॉलमध्ये हा कार्यक्रम होणार आहे. या परिसरामध्ये भारतीय नागरिक जमा होऊ लागले आहेत. तिथल्या या तयारीचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी अमित प्रकाश यांनी. इंडियन ओरिजिन से एक हमारे पास भंगड़ा व्हाट्स योर नेम शीना बॉल फ्रॉम लंडन सो यू कैन प्ले अ बीट फॉर अस यस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज लंडनमध्ये, त्यामुळे त्यांच्या स्वागतासाठी जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. लंडनमध्ये स्थायिक असणाऱ्या महिलांच्या एका गटानं नृत्याची 3 महिन्यांपासून खास तयारी केली आहे. पंतप्रधानांच्या स्वागतासाठी लंडनच्या सेंट्रल हॉलमध्ये होणाऱ्या कार्यक्रमाच्या या तयारीचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी अमित प्रकाश यांनी. ये जो परफॉर्मेंस हमने देखी, इस तरह की परफॉर्मेंस की ही तैयारी है पीएम मोदी को वेलकम करने के लिए. ये कितने दिनों से चल रहा है और क्या मैसेज देने की कोशिश है? क्योंकि वेम्बले स्टेडियम हमें याद है, हम अंदर बहुत सारे लोग नहीं जा पाएंगे, बाहर परफॉर्मेंसेज होंगी, हो सकता है पीएम उसको उसकी एक झलक देख पाएं. ये कितने दिनों से चल रहा है और क्या मैसेज देना है? ये एक्चुअली 3 महीने से चल रहा है. आवर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन सिंस लास्ट 3 मंथ्स एंड वी बीन ट्राइंग वेरी हार्ड. ऑल द लेडीज एट द बैक, दे वर्किंग वेरी हार्ड. So yeah, we just want to please everyone, our audience, obviously Mr. Narendra Modi, khas karke. Amre ni padti,
वहाँ पे राजस्थानी फोक होगा, मैं खुद और मेरी ग्रुप राजस्थानी फोक करेंगे, वहाँ पे भरतनाट्यम होंगी, कुचिपुड़ी होंगी, ऑल द ट्रेडिशन गरबा, रास, महाराष्ट्रियन आइटम, भांगड़ा, सब कुछ होने वाला है. सो इट्स गोना बी मैसिव इवेंट. सो या वॉच अस. Punjabi Association, and I am from Bangladesh. I'm the odd one out. I'm the only one who is non-Punjabi, and I'm not from India either. I'm from Bangladesh. So I just wanted to make a point that when you're abroad, it really doesn't matter where you're from. Aman aman se raho. That is the main thing. Hum sab khush hai yahan par. Aaram se, khushi se hum jee rahe hain. Isn't that it? पंतप्रधान मोदींच्या स्वागतासाठी लंडनमधल्या छोट्या मुलांनी देखील जोरदार तयारी केली आहे. मोदींच्या दौऱ्याच्या निमित्तानं मिनी भारतच लंडनमध्ये अवतरला आहे. पाहूया कशी सुरू आहे तयारी. लंडन में भारत की बात सबके साथ. देश के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और कुछ घंटों बाद वो लोगों के सामने होंगे, लोगों के सवालों का जवाब देंगे, लोगों से सीधा जुड़ेंगे. लेकिन प्रधानमंत्री यहां अब से जितने घंटों बाद भी यहां पहुंचने वाले हैं, उस कार्यक्रम से पहले आपके लिए एक सरप्राइज लंदन से. आइए. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दे आर प्राउड इंडियन पेरेंट्स इन लंदन, क्योंकि हजारों किलोमीटर दूर सात समंदर पार रहने के बाद भी अपने बच्चों के अंदर भारत के संस्कार, भारत की सभ्यता, भारत का संगीत और भारत में जो कुछ भी भारत की जड़ों में है, भारत की संस्कृति में है, उसको अपने बच्चों के अंदर डालने की कोशिश हर रोज यहाँ होती है. हमारे साथ बहुत सारे पेरेंट्स हैं, एक एक करके बातचीत करते हैं. हमने भारत की संस्कृति की बात की, भारत का प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के यहाँ आगमन की जो तैयारियां हैं, उनके यहाँ पहुंचने की जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से चल रही हैं, बच्चे किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, बड़े किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, हम बातचीत करते हैं. सबसे पहले नेहा, आपसे कितनी एक्साइटमेंट है? ये बच्चे शायद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हो सकता है परफॉर्म ना कर पाए, लेकिन वो उस जगह परफॉर्म करेंगे जहां हो सकता है एक झलक जरूर प्रधानमंत्री उनकी देखना चाहें एक बार. ऑफ कोर्स सर्जन नर्तन एकेडमी एंड फोक इंडियाना इज वी आर डूइंग रियली प्रमोटिंग रियली आर्ट एंड कल्चर. यहाँ पे इंडिया का जो आर्ट एंड कल्चर है वो हम यहाँ यूके में लंदन में हम एकेडमी के थ्रू चला रहे हैं. बच्चे बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं. वो हमारा एक शो हमने ऑर्गेनाइज किया था नृत्योत्सव, उसके लिए उन्होंने प्रिपरेशन की है. और फिर ये एक्साइटमेंट भी है कि हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसका भी एक एक्साइटमेंट है. तो उसके लिए थोड़ी सी तैयारी हमने और से की है. कैसी एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है. जैसा आपने कहा, काफ़ी सालों से कोशिश जारी है. हम तो
30 साल ऊपर से डांस सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, और धीरे धीरे देखा है कि डांस का जो कल्चर है, जो जिसकी शुरुआत हुई थी डांस, और बाकी सब डांस जिससे निकल के आते हैं, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है. वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज़्यादा आ रहा है, हमारा कल्चर धीरे धीरे कम हो रहा है. तो हमें लगा कि नहीं, वो नहीं होना चाहिए. जो रूट्स है वो हमको बच्चों को सिखाना चाहिए. अभी उसका जो थोड़ा थोड़ा फल देखने को मिल रहा है इन बच्चों के ज़रिए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा हो सकता है कि हमारा प्रधानमंत्री आ रहे हैं. तो ये इट्स बहुत ही एक्साइटिंग हो रहा है. It's an honor actually. It is absolutely an honor. बच्चों को यहाँ सिखाते हैं, अब लंदन में हैं आप, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, यहाँ के स्कूलों की का अपना एक कल्चर है, इंग्लिश है, यहाँ के बच्चों के साथ जो लंदन में यहाँ के इंग्लिश लोग हैं उनके बच्चे हैं, उनके साथ रह के पढ़ते हैं, उन सब के बीच रह के अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचा के रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और आप लोग ये बहुत मेजर रोल आप लोग भी प्ले कर रहे हैं इसमें, कि बच्चों को आप ये बताते हैं कि नो दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट. ये कितना ये चैलेंजिंग भी है बहुत ज़्यादा? इट इज़ चैलेंजिंग बिकॉज बच्चे ऑब्वियसली बहुत टाइम स्कूल में बिताते हैं, एंड फिर हमें उनको ऑब्वियसली वीकेंड पे हम लोग लेके जाते हैं, अपना कल्चरल एक्टिविटी सिखाते हैं, एंड ऑब्वियसली नेहा भरतनाट्यम सिखाती है. तो वी फील कि हाँ, वी आर स्टिल कनेक्टेड, वेरी मच कनेक्टेड टू अवर कंट्री. सो या वी फील रियली गुड. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बच्चे परफॉर्म करेंगे ये सोच के कैसा लगता है? गूज़बम्स आते हैं. इट्स रियली अ बिग ऑनर, डेफिनेटली यस, बहुत एक्साइटेड है. पहली बार नरेंद्र मोदी के सामने उनकी परफॉर्मेंस होगी, ये सोच के जब आपको लगता है कि ऐसा लंदन में हो सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं और बच्चे हमारे उनके सामने परफॉर्म करेंगे? या इट्स फील लाइक ड्रीम कि कैसा होगा. बच्चे भी फील कर रहे हैं तो साथ साथ हमें भी कुछ डर भी लग रहा है कि हाउ इस के कैसे करेंगे, बच्चे को शाय होगा कि नहीं होगा, वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. बट स्टिल इट्स प्राउड फॉर ऑल. क्या कहना चाहेंगे? Actually, yeah, it's proud for us, all of us. हमसे ज़्यादा हमारे parents जो back home हैं, they are more excited. They are keep on asking what time you gonna telecast. हमको देखना है करके, they keep on watching TV, कौन सी TV पे आ रही. Even she was asking me that कितने बजे telecast हो रहा है. I think हम लोगों से ज़्यादा हमारे उन लोगों के grandparents, they are more excited to watch them from far away on the TV screens. लंडनमधल्या सेंट्रल हॉलमध्ये मोदींचा भारत की बात हा कार्यक्रम होणार आहे. त्यासाठी कशी आहे सुरक्षेची तयारी, या कार्यक्रमामध्ये काय होणार आहे, या सगळ्याचा आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी अमित प्रकाश यांनी. इंग्लंड और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा दौरा, भारत की बात सबके साथ ये कार्यक्रम. इस कार्यक्रम की तैयारियां काफी दिनों से चल रही हैं. ये जो हॉल है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, एक्चुअली इसी हॉल में प्रधानमंत्री शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, और तकरीबन ऐसा बताया जा रहा है कि 1500 से 2000 लोगों की गैदरिंग होगी. हम आपको इस जगह इसलिए लेके आए हैं क्योंकि जैसा मैंने भी कहा कि ये पूरा सेंट्रल लंदन का इलाका है, ये पूरे इलाके की घेराबंदी पहले से ही कर दी गई है, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं. और ये पूरा हिस्सा हम अगर कहें तो बिल्डिंग का जो सेंट्रल हॉल वेस्टमिंस्टर का जो बिल्डिंग का एक छोर है उससे लेके लगातार ये ट्रैक करते हुए हम पूरा शॉट आपको दिखाना चाह रहे हैं. इस पूरे हिस्से की दो अलग अलग राउंड्स में घेराबंदी हुई है. एक इनर सर्किल है, जैसा आप अंदर देख पा रहे होंगे तमाम डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं, तमाम डेलीगेट्स अलग अलग देशों के भी यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन खास तौर पे इंग्लैंड
सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, इंग्लैंड के आसपास के इलाकों के जो इंडियंस हैं वो भी लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, क्योंकि ये प्रोग्राम अपने तरीके का एक बहुत ही बड़ा और ग्रैंड प्रोग्राम माना जा रहा है। और जिस तरीके से ये भी बात कही जा रही है कि 2019 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी तमाम ऐसी बातें जो भारतीय मूल के लोग यूके में रहते हैं और तमाम ऐसे मुद्दों जिस मुद्दों पर सरकार ने जो फैसले लिए हैं, खासतौर पर नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ के जो फैसले लिए हैं, उन मुद्दों पर भी बातचीत होगी। उन मुद्दों के अलावा देश के तमाम दूसरे मुद्दों पर बातचीत होगी। हम जरा आगे भी चल रहे हैं, ये पूरा सुरक्षा घेरा आपको दिखाने के लिए हम यहाँ रुके थे। ये पूरा हिस्सा अगर आप उस छोर की बात करें, वेस्टमिंस्टर का जो सेंट्रल हॉल है वहाँ से लेके और आगे, ये एक हम कहें लंदन आई यहाँ से बहुत कम दूरी पर है। सुबह की चहल पहल के बीच तमाम डेलीगेट्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे जो अंदर इस वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल में दाखिल होने के लिए लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ से ज़रा आगे चलते हैं, तस्वीर आप देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, इस पार्क के ठीक सामने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति भी लगाई गई है, जो कि गर्व की बात है, जो हर एक इंडियन के लिए प्राउड की बात है कि इंग्लैंड में सेंट्रल पार्क, जो पार्लियामेंट स्क्वायर है उसके सेंट्रल पार्क के ठीक सामने जो पहली तस्वीर, पहली मूर्ति आपको दिख रही है वो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की है। साथ साथ नेल्सन मंडेला की भी मूर्ति आपको यहाँ दिख रही होगी। तो कुल मिला जुला के यहाँ लगातार और तमाम हलचल यहाँ होने वाली है, चाहे हम समिट की बात करें, चाहे फिर भारत की बात, सबके साथ इवेंट की बात करें, इन तमाम बातों को लेके, इन तमाम प्रोग्राम्स को लेके, जो तमाम इंगेजमेंट्स हैं देश के प्रधानमंत्री के, जो ऑफिशियल इंगेजमेंट्स हैं उसको लेके जो हलचल रहने वाली है वो इसी पूरे इलाके में, ये उसी पूरे हिस्से में रहने वाली है। चौबीस तास रहा एक पाउल पुढ़े।